हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल जेके सर बायोलॉजी में आपका स्वागत है। आइए आज कुछ नया सीखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन, यानी कि डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर या भौम जल का अवक्षय, यानी कि भूमिगत जल स्तर किस प्रकार प्रदूषित होता है, उसके कौन कौन से कारक हैं, इस पर आज हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन यानी भौम जल का अवक्षय या भूमिगत जल का प्रदूषित होना। देखिए, आप लोगों को ये समझना है कि जो हमारी पृथ्वी है, इसके पृथ्वी पर 71% भाग पर जल है जिसे हम समुद्र यानी सी वाटर कहते हैं, और ये सी वाटर की जो परसेंटेज है वो है 97% यानी कि 97% सागरों और महासागरों का जल है। तो ये सागर और महासागरों का जो जल है वो लवणीय होता है, यानी कि नमकीन होता है, और ये पीने योग्य नहीं होता, ये पीने योग्य नहीं होता। तो इसलिए केवल ग्राउंड वाटर जो है, जिसको हम पीते हैं, इसकी जो प्रतिशत है वो 1.6% जो जल है वो ग्राउंड वाटर है, यानी कि भूमिगत जल है जिसको हम पीने के रूप में प्रयोग करते हैं। लेकिन ये भूमिगत जल निम्नलिखित कारणों से दूषित होता जा रहा है। जो औद्योगिक अपशिष्ट हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं, जो विभिन्न प्रकार के केमिकल्स हैं, वो पानी में या तालाबों में, रिवर हैं, पॉन्ड्स हैं, इनमें प्रवाहित कर दिया जाता है। जब इनमें प्रवाहित कर दिया जाता है तो ये धीरे धीरे रिस कर ग्राउंड वाटर यानी कि भूमिगत जल में इसके केमिकल्स मिल जाते हैं। इस प्रकार जो जल है वो प्रदूषित हो जाता है। पीड़कनाशी हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, डीडीटी आदि, ये जो जितने भी हम कीटनाशी और कृषि उर्वरक हैं, इनका प्रयोग हम खेती में करते हैं, तो ये वर्षा जल के साथ आसपास जो पौंड होते हैं, तालाब होते हैं, उनमें पहुंच जाते हैं ये रासायनिक और हानिकारक तत्व, और ये फिर तालाब से धीरे धीरे रिस कर ग्राउंड वाटर में ही वापस चले जाते हैं, यानी कि भूमिगत जल में मिलकर उसको प्रदूषित करने का काम करते हैं। वाहित मल है, या वाहित मल तालाब में या नदी में छोड़ दिया जाता है। कूड़े के ढेर हैं, जब बरसात होती है तो कूड़े के ढेर का सड़कर और सड़ने के बाद वो भी रिस कर उसके जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो भी भूमिगत जल में चले जाते हैं। और सीवेज टैंक है, सीवेज टैंक बनाए जाते हैं मल एकत्र करने के, तो उसका भी जल रिस कर ग्राउंड वाटर को ही प्रदूषित कर देता है। इससे ये जो जल पीने योग्य नहीं रहा है और विभिन्न प्रकार की बीमारियां अब लोगों में होने लगी हैं। और हमारे समाज की और हमारी जिम्मेदारी है कि हम भूमिगत जल को सुरक्षित रखने के लिए इसके लिए कुछ उपाय करें, जिससे कि जो केमिकल वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्टेज है, पेस्टिसाइड है, फर्टिलाइजर्स हैं, सीवेज हैं, इनको उपचारित करके ही, इनका ट्रीटमेंट करने के बाद ही इनको हमें तालाबों में या नदियों में हमें भेजना चाहिए। पॉन्ड्स हैं, रिवर्स हैं, इनमें हम तभी छोड़ें, या समुद्र है तो इनमें हम तभी छोड़ें इस इंडस्ट्रियल वेस्ट को या सीवेज वाटर को, जब उसका सही से उपचार कर लें, यानी कि उसको शुद्धिकरण करने के बाद ही उसको छोड़ना चाहिए। इससे हम अपने तालाबों को, नदियों को भी प्रदूषित होने से बचा सकते हैं और ग्राउंड वाटर यानी कि भौम जल का भी, भूमिगत जल का भी संरक्षण या सुरक्षा कर सकते हैं। तो हमारी भी एक जिम्मेदारी है कि हम भी कूड़ा करकट, प्रदूषण फैलाने वाले पदार्थ हैं, उनको हम अलग अलग उपचारित करके ही हम बाहर भेजें, या जो अपघटित होने वाले पदार्थ नहीं है, जैसे पॉलीथीन है या पॉलीथीन बैग्स हैं, इनका प्रयोग कम करें, नालियों में ना फेंकें, कूड़े के ढेर ना लगाएं, इससे भी प्रदूषण का खतरा बढ़ता है। चलिए, आज ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आपको ये टॉपिक कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मंगल हो।